नमस्कार छात्रों, मैं सनी राणा आप सभी का विद्या कुलम ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग वीडियो नंबर 3, जो कि पिछले कुछ 2 क्लास हम लोगों ने पढ़ा है, और आज तीसरा वीडियो ये है। और इस तीसरे वीडियो में आज हम लोग बात करने वाले हैं टॉपिक एंगुलर मोमेंटम के बारे में। जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा भी है, एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम का मतलब आप लोग जानते ही हैं, संवेग होता है। और एंगुलर मोमेंटम का मतलब हो गया कोणीय संवेग। चूंकि एंगुलर वर्ड है तो इसको हिंदी में क्या कहेंगे, कोणीय, और मोमेंटम है तो संवेग है। मोमेंटम को हम लोग लीनियर मोमेंटम भी कहते हैं। ठीक है, लीनियर मोशन में जब हम लोग बात करते हैं तो मोमेंटम या फिर लीनियर मोमेंटम। और लीनियर मोमेंटम आप अच्छे से जानते हैं, मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, मास इनटू वेलोसिटी को ही हम लोग क्या कहते हैं, लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, द मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। द मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। और लीनियर मोमेंटम हम आपको थोड़ा सा याद दिला दें, लीनियर मोमेंटम यानी पी इक्वल टू एम वी, आपको याद आ गया होगा, मास इनटू वेलोसिटी, यही कहलाता है लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम का मोमेंटम, ठीक है, इज नोन एज एंगुलर मोमेंटम। और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एल से, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एल। ओके, इट इज डिनोटेड बाय एल, दिस वन कैपिटल एल। वहीं पर मोमेंटम या फिर लीनियर मोमेंटम को हम लोग पी से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन एंगुलर मोमेंटम को किस से रिप्रेजेंट करते हैं, एल से। सो एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू, हम लोग मैथमेटिकली डिफाइन कर सकते हैं, आई ओमेगा। आई क्या चीज है, मोमेंट ऑफ इनर्सिया, और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। मैथमेटिकल वे में अगर आपको डिफाइन करना हो तो हम लोग एंगुलर मोमेंटम को डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्सिया एंड एंगुलर वेलोसिटी। ओके, सो मोमेंट ऑफ इनर्सिया आई हो गया और ये हो गया ओमेगा। दूसरे तरीके से जो ये डेफिनेशन है, एंगुलर मोमेंटम यानी कि एल इज ऑल्सो डिफाइंड एज द मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो मोमेंटम क्या होता है, एम भी। मोमेंटम इज द एम भी। एंड मोमेंट कहने का मतलब इसका डिस्टेंस। ठीक है, सो आर। ठीक है, तो 2 इक्वेशन आ गए। ठीक है, सो फाइनली हम लोग कह सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू क्या हो सकता है, या तो आई ओमेगा या फिर एल इक्वल टू एम भी इंटू आर। बोथ इक्वेशन इज द इक्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब यहां से एक डेफिनेशन और तैयार कर सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्सिया एंड एंगुलर वेलोसिटी। मोमेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज ऑल्सो डिफाइंड एज द मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, इसी का डेफिनेशन हमने यहां पर लिखा है। ठीक है, इस जगह पर आपको क्या क्या सिंबल है उसके बारे में लिख लेना है। ठीक है, यहाँ पर जो सिंबल यूज किया गया है, हियर दैट इज आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्सिया, एंड ओमेगा दैट इज, इसको क्या पढ़ते हैं, दिस इज रीड एज ओमेगा। ठीक है, ओ एम ई जी ए, ये क्या पढ़ा जाता है, ओमेगा।
सो ओमेगा इज हियर एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। साथ ही साथ अगर हम इधर बात करें, ठीक है, तो एम भी क्या है, एम भी दैट इज द पी एंड दिस इज द लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। और आर जो है दिस इज द डिस्टेंस, आर क्या है डिस्टेंस। तो लीनियर मोमेंटम के टर्म्स में हम लोग एंगुलर मोमेंटम को समझे कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। एंगुलर मोमेंटम मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये डेफिनेशन आपको याद रखना है, ठीक है। दिस वन इज द मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, क्लियर। और ये दो इसका छोटा छोटा एक्सप्रेशन है, ठीक है। अब इसके हम यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला की बात करें, ठीक है, तो जो यूनिट होता है इसका, और अगर हम यहाँ पर नोट में लिख दें सारी चीजें, ठीक है, नोट में यूनिट सबसे पहले, ठीक है, यूनिट ऑफ एल एंगुलर मोमेंटम का, तो एसआई में अगर बात करें, इन एसआई सिस्टम में, तो एसआई सिस्टम में इसका यूनिट जो होता है वो जूल सेकेंड होता है। क्या होता है, जूल सेकेंड, इन एसआई यूनिट जूल सेकेंड, शॉर्ट में जूल सेकेंड। और सीजीएस में क्या हो जाएगा, इन सीजीएस जूल को क्या कहते हैं, अर्ग, और ये सेकेंड तो सेकेंड ही रहेगा, ठीक है। तो एसआई यूनिट में हो गया जूल सेकेंड और सीजीएस में हो गया अर्ग सेकेंड। दूसरी बात अगर हम यहाँ पर लिखें, ये दिस वन इज द फर्स्ट डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एल। तो फॉर्मूला जो है आप इससे भी निकाल सकते हैं, ठीक है, आप डायमेंशन फॉर्मूला इससे भी निकाल सकते हो या इससे भी निकाल सकते हो, किसी से भी आप निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि एल इक्वल टू क्या होता है, आई और इधर ओमेगा। आपको याद होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशन फॉर्मूला हम लोगों ने पिछले वीडियो में निकाला था, ठीक है। आई का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट इज एम वन एल टू टी नॉट, क्या होता है, एम वन और एल टू टी नॉट, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ आई, एम वन एल टू टी नॉट, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ आई, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। और ओमेगा, ओमेगा का डायमेंशनल फॉर्मूला, ओमेगा इज हियर एंगुलर वेलोसिटी, तो एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला अगर हम यहां पर बात करें, ठीक है, तो हो जाएगा एम नॉट एल नॉट और टी माइनस वन, दिस वन। और इस तरीके से दोनों को अगर हम लोग मर्ज कर दें, तो बेस सेम हो तो पावर जुट जाता है, तो वन और ये जीरो क्या हो जाएगा, वन जीरो और टू क्या हो जाएगा, टू जीरो और माइनस वन क्या हो जाएगा, माइनस वन। सो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज एम एल टू टी माइनस वन, ठीक है, जो आप याद रखें, ठीक है, या तो ये वन लिख भी सकते हैं या फिर नहीं भी लिख सकते हैं। तो इस फॉर्मूला को लेकर चलेंगे तब भी आपको ये डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा ये, या फिर
जो दूसरा फॉर्मूला है, ठीक है, सेकेंड फॉर्मूला, सेकेंड फॉर्मूला हमने आपको क्या लिखाया है, L इक्वल टू एम वी आर, तो यहाँ पर उसको भी देख लिया जाए, ठीक है। तो L इक्वल टू होता है एम वी और इनटू आर, चूँकि M जो है मास है, तो मास का डायमेंशन फॉर्मूला एम वन, और भी जो है ये वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी है तो इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, डायमेंशनल फार्मूला एल वन और टी माइनस वन, ठीक है। और इसी तरह से आर है, आर क्या है, डिस्टेंस होता है, आर इज द डिस्टेंस, सो डिस्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, एम नॉट एल वन टी नॉट। अब सबको कंबाइन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा M1 और L1 और L1 मिलकर के इधर क्या हो जाएगा 2, और फिर यहाँ पावर में कितना हो जाएगा माइनस वन और जीरो माइनस वन। सो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम का ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो आप किसी कोई भी एक फॉर्मूला याद रखें, आपको डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने में मदद हो जाएगा, ठीक है, ओके। नाउ इसके बाद फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट जो है वो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है, इसके बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। तो ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है, दिस वन यानी इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी है तो चूंकि फॉर्मूला जो हम लोगों ने बताया है कि एल इक्वल टू आर एम भी मोमेंट जो होता है, ठीक है, दिस वन, इसको हम लोग लिख सकते हैं एल इक्वल टू आर क्रॉस प्रोडक्ट और इधर एम भी, ठीक है। एम भी को क्या लिखेंगे, आर इंटू पी, तो ये हो जाएगा तुम्हें वेक्टर, ठीक है। सो दिस इज द वेक्टर फॉर्म, दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ द एंगुलर मोमेंटम, दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ द एंगुलर मोमेंटम। इसके बाद इस चैप्टर में एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, टॉर्क, ओके। आज हम लोगों ने क्या पढ़ा उसके बारे में थोड़ा सा एक मिनट में डिस्कशन कर देते हैं, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, तो लीनियर मोमेंटम का मोमेंट, द मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम, और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एल, इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, एल से। एंगुलर मोमेंटम को मैथमेटिकली हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कि इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्सिया एंड एंगुलर वेलोसिटी। अगर ये डेफिनेशन ना याद रहे तो आप इसको फॉर्मूला को याद रख करके डेफिनेशन बना सकते हैं, कि एंगुलर मोमेंटम इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्सिया एंड एंगुलर वेलोसिटी। अगर ये भी फॉर्मूला ना याद रहे तो आप इसको याद रखें, पी इंटू आर, पी मतलब एम भी, यहाँ मैंने लिख दिया है, एम भी को क्या कह सकते हैं, पी, और पी क्या है, लीनियर मोमेंटम है, ये सब पढ़ा हुआ है आप लोगों को अच्छे से, ठीक है। सो दूसरा फॉर्मूला क्या हो सकता है, एल इक्वल टू एम भी आर, या फिर इसी को हम लोग लिख सकते हैं एल इक्वल टू पी आर, ठीक है, जहाँ पर पी जो है वो मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम। उसके बाद यहाँ पर हमने क्या क्या साइन यूज किया है उसका ये इंट्रोडक्शन है, और नोट में जो ये बात है इसी को आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट क्या है, पहला यूनिट, यूनिट ऑफ एल, फर्स्ट जूल, सेकेंड ऐसा यूनिट क्या है, जूल सेकेंड, और सीजीएस यूनिट क्या है, अर्ग सेकेंड। उसके बाद डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एंगुलर मोमेंटम,
आप निकाल लेंगे इस फॉर्मूला से, ठीक है, या फिर इस फॉर्मूला से, जिससे भी आपको पसंद हो, जिससे भी आपको याद रहे, ठीक है, आप अच्छे से उसको निकाल लेंगे। एंड देन इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ये कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है, ठीक है। सो कुल मिलाकर के ये एक टॉपिक हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो हम इसके बाद भेजेंगे, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं, ओके।